अपॉर्चून मोमेंट के मैं आपके साथ शेयर भी कर सकूं और री भी कर सकूं कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इन द लास्ट फोर सो स्टार्टिंग नाइनटीन टवेंटी अक्टूबर जब हम एनअल मीटिंग्स के लिए आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के लिए वाशिंगटन गए तो उसमें एक पूरा डेलीगेशन था उसमें गवर्नर स्टेट बैंक थे फाइनेंस सेक्रेटरी थे इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के सेक्रेटरी थे और उसमें हमारी बहुत ही मुफसल गुफ्तु हुई विद वेरियस स्टेक होल्डर्स स्टार्टिंग ओबियसली विद आई एम एफ़ वर्ल्ड बैंक जितने भी हमारे मल्टी लेटरल पार्टनर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है आई एफ सी है उनके साथ बड़ी गुफ्तु हुई उसके अलावा माई काउंटर पार्ट्स जो बायो जो हम बात करते हैं उसके मुताबिक वो बहुत ही उनका एक इम्पॉर्टेंस है इंगेजिंग विद द सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर यू फाइनेंस मिनिस्टर चाइना के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे टर्किया के यू uh, के के और जो यूएस ट्रेजरी के uh, uh, जो रिस्पॉन्सिबल uh, लोग थे उन सब के साथ बड़ी uh, मुफसल गुफ्तु हुई इसी तरह जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं बिकॉज आई बिन वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द फ्रंट जैसे मैंने ओथ लिया था कि रेटिंग एजेंसीज़ के साथ हम वी विल इंगेज एट द हाइस्ट लेवल इन द गवर्नमेंट नॉट थ्रू पी ओ सीज बिकॉज इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम बताएं कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं तो गवर्नर स्टेट बैंक फाइनेंस सेक्रेटरी माई सेल्फ वी इंगेज विद एस एन पी एंड फिच और बड़ी अच्छी हमारी वहाँ गुफ्तु हुई और आपको मालूम भी है कि कुछ हमें रेटिंग अपग्रेड्स भी उसमें आ, मिली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके साथ बड़ी अच्छी मुलाकात रही बात यह मैं करना चाह रहा हूँ कि हमें एक वहाँ प्लेटफॉर्म भी दिया गया ये प्लेटफॉर्म इसलिए हमें दिया गया कि यू शेयर विद कॉमिटी ऑफ नेशंस कि आपने चौदह महीनों में ये टर्न अराउंड कैसे किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उनकी जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने ये नाइन मंथ्स स्टैंड बाय अरेंजमेंट को साइन किया मैं हमेशा बात करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा टू गिव फुल क्रेडिट टू द केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन के जिस रिगर और विगर के साथ जिस डिसिप्लिन के साथ वो उस प्रोग्राम को साथ लेकर चले एंड देन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ केम बैक इन अलॉन्ग विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन हमने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया स्टेट बाय स्टैंड बाय अरेंजमेंट को और फिर हम अगली जो हमने बात करनी थी इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम उसको हम आगे लेकर चले उसके अलावा जो सम्राथ हैं उसके क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज वेल क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैं हमेशा ये बात करता हूँ इज नॉट एन एंड इन इट अ मीनस टू एन एंड क्योंकि वो ये एक फाउंडेशन है जिसमें हमने इमारत खड़ी करनी है तो जो सम्राट सामने आ रहे हैं और जो सामने आए हैं कि जिस तरह इन्फ्लेशन जो है 38 फ़ीसद से सात फ़ीसद पर आई उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट बाईस फ़ीसद से पंद्रह फ़ीसद पर आया और अब तो जो इंडस्ट्री को आ, सोचना चाहिए वो तो ये है कि वो कायबॉर के बेसिस पे आगे चल रहे हैं जो तेरह फ़ीसद से नीचे आ चुका है और इसी तरह जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो दो हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे वो ढाई महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं और इन अब इसको हम थ्री मंथ्स इंपोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं इन कंजंक्शन विद द स्टेट बैंक तो देखिए ये जो हमें वहां से मैसेजेस मिले ना वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वेदर वॉज थ्रू दिस प्लेटफॉर्म और थ्रू ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट वी मेट पहली बात तो ये है कि उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने कहा कि ये चौदह महीने में एक मुल्क ये कैसे जो जो विच इज़ बीन द बेन ऑफ आ कंट्री बेन ऑफ आ कंट्री विच आर द ट्विन डेफिसिट्स कि उन खसारों को हम सरप्लस में कैसे लेकर आए और बाकी जैसे मैंने आपसे बात की है कि उन अदा को हम कैसे लेकर आए एंड दिस वी वर टोल्ड के यू नो यू शेयर विद द अदर कंट्रीज हाउ यू डिड दैट बिकॉज इज नॉट द वॉट एंड वाई पार्ट ऑफ इट इज ऑलवेज द हाउ पार्ट ऑफ इट तो उसमें हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम इसको आगे लेकर चलें हमें इस पे वी कॉम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ वी हैव डन इट एंड द ट्रजेक्ट्री दैट वी आर ऑन हैविंग सेड दैट मैं यह भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं हमें एक इक्वली इंपॉर्टेंट मैसेज और भी मिला और वो ये है नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी स्टे द कोर्स ये उन्होंने भी हमें कहा और आप भी हम, सब Uh, हमें यही कह रहे हैं कि ये आपके पास एक विंडो है आपने एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए हैं अब इसको आगे लेकर चलें एंड वी हे यू वी हे यू लाउड एंड क्लियर इन शाली प्राइम मिनिस्टर साहब भी आपके साथ एक होम ग्रोन एजेंडा जो है इनशालाक्रीब शेयर करने वाले हैं कि हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक रोड मैप है हमने उसको आगे कैसे लेके जाना है बट आई विल लीव इट टू द प्राइम मिनिस्टर इनशाला वो आपके साथ शेयर करेंगे एंड इट हैज़ बिन वेरी वेल सिंडिकेटेड विद ऑल द स्टेक होल्डर्स एज वी एज वी गो फॉरवर्ड लेकिन ये मैं एक दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि वॉट वी हैव टू डील विद आर ओबियसली द क्वान्टिटेटिव बेंच मार्क्स ऑल्सो द स्ट्रक्चरल बेंच मार्क्स और ये सब आपके सामने वाजह है ये टोटली ट्रांसपेरेंट आप किसी भी जाके आप आई की वेबसाइट पर देख लें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर देख लें जो हमने वादे किए हैं वो सब आपके सामने हैं इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई हम ऐसी बात कर रहे हैं जो मुल्क के मफाद के खिलाफ है और इसीलिए मैं आज से छः महीने पहले भी मैंने कहा था मैं अब दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ दिस इज़ पाकिस्तान्स प्रोग्राम विच इज़ बीग हेल्प्ड सपोर्टेड असिस्टेड फंडेड बाय द आई एम एफ़ इसी वजह से जो पिछले हफ्ते जो ये फंड का मिशन भी यहाँ आया देखिए उसमें क्या डिस्कशंस हुई हैं इसमें क्या ढकी बात है टैक्सेशन रिफॉर्म्स एनर्जी रिफॉर्म्स और उसके अलावा जो एस रिफॉर्म्स है और हमारा प्राइवेटाइजेशन एजेंडा है एंड देन पब्लिक फाइनेंस इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को पहले मालूम नहीं थी या इस वक्त हमें कोई इस वक्त कोई बहुत सरप्राइज मिला है और मैंने इस विजिट को वेलकम किया है बिकॉज देखिए हमारी एक ऑन लॉन्ग ऑन गोइंग डायलॉग है क्योंकि अगर हमने एक म्यूचुअल क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की बात करनी है ये कैसे बनता है म्यूचुअली म्यूचुअल ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी ये डायलॉग से बनता है ये गुफ्तु शनीद से बनता है वेन वी आर टोकिंग टू इच अदर वेन वी से जी ये आ, हम आ, इस वक्त कर पाए हैं इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत है इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं तो देखिए जो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स ये नेशनल फिजिकल पैक्ट और जो हम राइट साइजिंग right कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे सितंबर के एंड में जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे किए और ये देखिए पूरे करने का मकसद ये है कि एक माइलस्टोन अचीव हो गया लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस है इसमें तो हमने पूरी फेडरल गवर्नमेंट की राइट साइजिंग करनी है तो यह हमने उनके साथ शेयर किया है कि हमारा रोड मैप आगे क्या है और हम आगे कैसे लेके जा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में इसको हम आगे कैसे लेके जा रहे हैं और मैं बार बार ये बात करता हूं कि मैं चारों चीफ मिनिस्टर्स का बहुत मशकूर हूं बहुत मशकूर हूं कि जिस किस्म की कॉपरेशन हमें मिली बिकॉज वी हैव टू वर्क एज होल ऑफ द गवर्नमेंट ये बात नहीं है कि फेडरेशन क्या कर रही है कौन सा सूबा कैसे कर रहा है हमने इसी को आगे इन आगे लेकर जाना है तो पिछले हफ्ते जो गुफ्तगु हुई है वो इन चार टॉपिक्स पे हुई है मैं बहुत मशहूर हूँ जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम उन्होंने अपनी डिस्कशंस को लीड किया है हमारे चेयरमैन एफ ने लीड किया है फाइनेंस सेक्रेटरी ने लीड किया है और जो स्टेटमेंट आई है वो आपके सामने है तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि ये ऑन गोइंग डायलॉग है ऑन गोइंग ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन है सम ऑफ दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू टू हैपन वर्चुअली एंड सम ऑफ दिस एंड आई वुड वेलकम एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मीट टू फेस टू फेस मैं प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ आई रियली स्ट्रगल ड्यूरिंग द कोविड पीरियड आई रियली स्ट्रगल ड्यूरिंग द कोविड पीरियड कि जूम बड़ी अच्छी बात है टीम्स बड़ी अच्छी बात है लेकिन जब हम आमने सामने, सामने बैठ कर बात करते हैं उसकी एक गुफ्तगु का जो एक आंसर होता है वो बहुत डिफरेंट आंसर होता है सो आई अप्रीशिएट के वो आए उन्होंने स्टॉक टेकिंग की हमारे साथ डिस्कशंस की हमने भी उनके साथ डिस्कशंस की हमने क्लाइमेट का और क्लाइमेट रिलेंसी का वो भी हमने दोबारा उनके साथ दोहराया उसी सिलसिले में अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाँच मिलियन डॉलर का ऑलरेडी एक लोन डिस्पर्स हो चुका है Uh, around climate resiliency, क्लाइमेट was इन बाकू कपल ऑफ डेज़ बैक वहाँ जो क्लाइमेट uh, के सिलसिले में बात हुई है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हुई है तो मैं सिर्फ आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारी डिस्कशन पिछले हफ्ते हुई है आई के साथ बहुत मुस्बत रही है उसका आपने एक स्टेटमेंट खुद भी आपने पढ़ लिया है और इन इसी को आगे लेकर चलेंगे जहाँ तक रेवेन्यू टैक्सेशन की बात है वी आर गोइंग टू बी वेरी फर्म Very firm on compliance and enforcement. I Compliance and enforcement. Because as a country, our hand has been forced. We cannot continue to go back for this, to the same for more. Whether it's salary class, whether it's manufacturing sector, all other sectors have to play their roles. We have contribution to contribute. Whether it's real estate, whether it's our wholesaler friends, whether uh, it's agriculture. हम सब ने अपना अपना जो रोल uh, प्ले करना है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री ये हमने करना है ये दरखास्त नहीं है दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डू बिकॉज मैं पहले भी ये कह चुका हूं एज अ कंट्री आर आर हैंड हैज बीन फोर्स वी कैन नॉट कंट्री टू गो बैक टू द सेम फॉर मोर बहुत मैं इसमें क्लियर हूं और मैं इसमें चाहता हूं कि हर कोई इस पर क्लैरिटी के साथ आगे चले लास्ट चीज मैं जो बात करना चाहता हूं वो मैं सबसे वो मेरी दरख्वास्त है पहली जो मैंने जो बातें की हैं वी आर डूइंग इट वी विल कंटिन्यू टू गो हैड एंड वी विल इंशाला गो थ्रू एनफोर्समेंट अगली मेरी दरख्वास्त है आपसे विच इज़ अराउंड एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर दिस कंट्री हम हर जगह बात करते हैं टैक्स हुआ नहीं हुआ ये कल क्या होगा परसों क्या होगा मैं आज लाहौर से निकला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी धूप थी सारे जब तक मैं यहाँ इस्लामाबाद पहुँचाऊँ हर जगह धूप थी ये कल भी किसी ने कहा और मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ इट्स नॉट ओनली चार्टानमी इज़ ऑफ इन्वायरमेंट देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमने मुल्क को इकट्ठा करना है मुल्क को इकट्ठा करना है इकॉनमी पे नहीं और देखें इस वक्त जो हमारी जो आबादी की जिस तरीके से ये बढ़ रही है दिस इज नॉट दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम इसको सस्टेन कर सकें क्योंकि उसी के साथ दो और चीजें लिंक्ड हैं जो चाइल्ड स्टंटिंग है चालीस फीसद हमारे बच्चे जो अंडर द एज ऑफ फाइड चाइल्ड स्ट, आर स्टंटेड उनकी वो नशोनुमा और जो ग्रोथ हो रही है दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान ना हम होंगे ना मैं होंगे ना कोई और होगा ये बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है दो हज़ार सैंतालीस में जब ये तीन सौ बिलियन से इंशाल्लाह थ्री ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी मिलेगी इसी तरह जो जो जो, जो आ, लर्निंग पावर्टी है लर्निंग पावर्टी का मतलब है जो हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उसमें लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा उसमें मौजूद है उनको हमने साथ लेकर आना है सो द होल थिंग अराउंड पॉपुलेशन इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट इज़ जिसका भी मैंने जिक्र किया मैं जब लाहौर से इला हूँ कि जो हमारा क्लाइमेट इस वक्त इमरजेंसी है राइट इट्स बोथ अबाउंड क्लाइमेट रिजिलियंसी कि हमने एग्रीकल्चर को कैसे गा ले के लेके जाना है फ्लडिंग को कैसे रोकना है एंड देन ऑफ कोर्स डी कार्बनाइजेशन विच इज एयर पोल्यूशन देखिए ये एक ऐसे चीजें हैं जो मैं बाकू में भी तीन चार जगहों पर कहकर आया हूं दिस इज नॉट सम दिव यू कैन टेक सिक्वेंशली आज हमारे से बात हो रही है कि आई एम एफ के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ अगर हमने इन चीजों को विच इज पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंसी इनको हम साथ, साथ ना लेकर चले यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं सबसे दरख्वास्त करता हूँ पोलिटिकल पार्टी से दरख्वास्त करता हूँ मीडिया फ्रेंड्स के साथ और पार्टनर्स के साथ बात करता हूं कि आप इन टॉपिक्स पे उसी अर्जेंसी के साथ ये मीटिंग्स कॉल करें एंड देर फो चार्ट एनवामेंट एंड चार्टर ऑफ इकोनॉमी द वे यू टॉक अबाउट मैनी अदर थिंग्स मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि यू हैव गिवन मी अ पेशेंट हियरिंग और मैं आपके खिदमत में हाजिर होता रहूंगा बिकॉज दे आर मैनी अदर टॉपिक्स विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू बिकॉज बात ये होती है कि फेडरल गवर्नमेंट की राइट साइजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है It will require a separate discussion. We have already dealt with 11 ministries. Their implementation is underway. But I will have a separate discussion on that, also including the pension and the pension discussion, because we have stopped the bleeding. stock is already there, but bleeding have stopped the bleeding so going forward, we move towards defined contribution. तो एज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरी वन हु इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इज़ हेल्पिंग आस हु इज़ सपोर्टिंग आस बस इस मुल्क को ये मुल्क के खुदादाद है ये इतनी तेज़ी से ऊपर आता है और आ रहा है और ये इन शाह आपकी मदद से वी विल बी इन टू द कॉमिटी ऑफ नेशन सोनर दैन लेटर